इधर चीन में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और भारत में भी केस फिर से बढ़ने लगे हैं। सबसे ज्यादा मामले केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु से सामने आए हैं। देश के करीब आधे से ज्यादा कोरोना के केस सिर्फ केरल से सामने आ रहे हैं। इसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र है। बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में 173 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 2670 हो गए। वहीं केरल में युवक की कोरोना से मौत हो गई है, जिसे देखते हुए भारत सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है और गाइडलाइंस जारी कर ज्यादा से ज्यादा सैंपलों को जीनोम सिक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए हैं।